अरे दोस्त विजय, आपको कैसे बोल सकते हैं? कैसे हो यार आप? आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू शिवम दोस्त, थैंक यू। आवाज गूंज रही है? नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेटअप सही है। ठीक है, एक बार चेक करो, आवाज नहीं गूंज रही होगी, आवाज क्लियर होगी। गुड आफ्टरनून गरिमा जी, क्लियर है? ओके क्लियर है, चलिए सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको इको आ रहा है ना, तो एक बार आप अपना एयरफोन, हाँ माइक बिल्कुल, एयरफोन एक बार चेक कीजिए, उसको रिफ्रेश कीजिए, वापस से खोल के बंद कर लीजिए इसलिए। अच्छा, एक लड़की की जैकेट पर जॉर्डन लिखा देखा तो मेरे मायने पूरा वर्ड हो गया। क्या बात है दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अच्छा तरीका है मैपिंग को याद करने का, कि ठीक है, एक तरीका है आपका याद करने का, बढ़िया। चलो, नहीं आवाज प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप चेक करोगे ना सही हो जाएंगी चीजें, बस एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, चले तो शुरू करें, शेल वी स्टार्ट? गूंज रही है आवाज, नहीं एक बार आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो यार, अब नहीं गूंजनी चाहिए आवाज, तो अपन माइक भी चेंज कर लिए। ओके बिल्कुल, तो स्वागत है। ठीक है, गूंज रही है, चलो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर आप लोग कह रहे हो तो। ओके महाराज, ओके अब बताइए आप लोग, अब बिल्कुल सही होगी, अब मैंने जो कर सकता था मैंने कर लिया दोस्तों, अब आप लोग अपने इनसे चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग इन 50 डेज, जो हम कवर कर रहे हैं आज। ये उसकी 16 नंबर की क्लास है, 16 नंबर की क्लास है, ठीक है, और इस चीज को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोग भी लगातार पढ़ रहे हो, क्लासेस मिस नहीं कर रहे हो, दैट इज अमेजिंग, और मुझे भी ये चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है। तो इसी तरह दोस्तों, आपको याद होगा हमने एशिया महाद्वीप पढ़ना शुरू किया था, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, और एशिया महाद्वीप के बारे में अब हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है उसकी सामान्य जानकारी, स्थिति, महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां, एशिया का क्षेत्रीय विभाजन, एशिया के प्रमुख सागर। आज की जो क्लास है दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रमुख खाड़ियां, मेजर गल्फ एंड वे। ठीक है, प्रमुख खाड़ियां हम डिस्कस करेंगे, मेजर गल्फ एंड वे, ये हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। हमने 23 सागर डिस्कस किए थे, 23 हमने सी डिस्कस किए थे, उसी प्रकार दोस्तों हमको 23 खाड़ियां डिस्कस करनी है, गल्फ एंड बे हमें डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं यहां पर सागर का नाम लिखूंगा और आप लोग उसको इमेजिन करोगे। चलो, जैसे मैंने यहां पर लिखा दोस्तों जावासी, आपको याद आ रहा है कहां पर स्थित है जावासी? आपको याद आ रहा है? तो जावासी आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, कि अगर आप दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, तो यहाँ आपको एक सुमात्रा आइलैंड दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक जावा आइलैंड दिख रहा होगा, यहाँ बोर्नियो आइलैंड दिख रहा होगा, यहाँ मलय प्रायद्वीप दिख रहा होगा, और इस इलाके में आप इमेजिन कर पाओगे कि यहाँ पर सर क्या है, जावा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको जावासी दिखाई देगा, जावासी देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही मैंने कहा अंडमान सागर, इमेजिन करना है फिर से दिमाग में, अंडमान सी, इमेजिन कर पा रहे हो तो याद आ रहा होगा यहाँ पर म्यांमार का इलाका है, ये थाईलैंड का इलाका है, कुछ मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और यहाँ भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ बीच में जो जल राशि देखने के लिए मिलती है उसे हम अंडमान सागर के नाम से जानते हैं, अंडमान सी के नाम से जानते हैं। अब एक और शब्द मैं आपको देता हूँ, ये भी आपको इमेजिन करना है दोस्तों, ओखोटस्क सी। मैंने कहा ओखोटस्क सी, तो तुरंत आपको याद आएगा कि हम रूस वाले इलाके में पहुंच गए हैं, यहाँ पर सखाइलिन आइलैंड इस तरीके से रूस का इलाका है, यहां बहुत थोड़ा सा जापान का इलाका है, और यहां जो सागर देखने के लिए मिलता है उसे ओखोटस्क सागर का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा ईस्ट चाइना सी, तब आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर ताइवान करके है, ये पूरा चीन का इलाका है, ठीक है, यहां पर हल्का सा जापान और साउथ कोरिया देखने मिलेगा, और इस इलाके में ईस्ट चाइना सी देखने मिलेगा, पूर्वी चीन सागर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने कहा लक्षद्वीप सागर, तो याद आ रहा होगा ये प्यारा हमारा भारत देश है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों फैला हुआ है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सी, ये देखने मिलेगा आपको। फिर जैसे ही मैंने कहा अरब सागर, तो इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला बना दीजिए, और यहाँ इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है अरब सागर, अरेबियन सी, और कौन कौन से देश देखे थे हमने यहाँ पर, भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, यहाँ ओमान, यहाँ यमन, यहाँ कुछ हिस्सा आपको यूएई वगैरह का देखने के लिए मिल जाएगा। फिर दोस्तों मेन जो हमने यहाँ पर क्या देखा था, कतर, हाँ ठीक है, फिर हम नीचे गए थे तो यहाँ पर हमें कुछ हिस्सा देखने के लिए मिला था, वो लेकिन अफ्रीका के देश है, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे अभी। अब जैसे ही मैंने कहा आपसे रेड सी, तो आपको याद आना चाहिए कि एक या अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर ये एशिया और अफ्रीका जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो जल राशि देखने के लिए मिलती है वो जल राशि लाल सागर अर्थात रेड सी के रूप में जानी जाती है। फिर कुछ कंट्रीज भी आपको याद आ रहे होंगे कि यहाँ पर अमन है, यहाँ सऊदी अरेबिया है, यहाँ जॉर्डन है, यहाँ इसराइल है, तो ये कुछ प्रमुख देश भी आपको याद आ रहे हैं
रहे होंगे, मेजर सी भी आपको याद आ रहे होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको किसको रेड सी क्यों कहते हैं, दैट वी विल डिस्कस दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होंगी। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीजें हम डिस्कस कर लें सागरों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए और कुछ कुछ चीजें आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो कुछ राइटिंग वर्क कर लेते हैं पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक। तो कुछ राइटिंग वर्क हो जाए, एक एक दो दो बातें अपन लिखते जाए सागर के बारे में। अच्छा लिखिए, मत यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोग ये पढ़ लोगे, या आप लोग पढ़ लेना, आई थिंक ये पढ़ लोगे, देखो ये पढ़ लेना, आप खुद रीड कर लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप रीड ना कर पाओ, तो इसे एक बार रीड कर लेना, आसान चीजें हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत अलग से हो, तो इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक। चलो तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो टॉपिक है दोस्तों वो कौन सा टॉपिक है, प्रमुख खाड़ियां, जिसे इंग्लिश में मेजर गल्फ एंड बे का नाम दिया जाता है। तो एक और पॉलिटिकल मैप निकालो, राजनीतिक मानचित्र निकालो और उसमें हेडिंग लगाओ एशिया महाद्वीप प्रमुख खाड़ियां। शुभम गुप्ता पीडीएफ ग्रुप है माया जी, वहां पर आप जाइए, सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके लिए अतुल आपको पुरानी क्लासेस देखना पड़ेगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ प्रमुख खाड़ियां मेजर गल्फ एंड बे, लगा लिया आपने हेडिंग, ओके मैं भी बता दूंगा पीपी जी, ठीक। ओके, तो अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा शुरुआत की क्लासेस जब हमने अटेंड की थी, तो वहां हमने आपको शब्दावली पढ़ाई थी, वहां हमने आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, और वहां हमने एक शब्द समझा था कि ये जो शब्द है हिंदी में एक ही शब्द होता है खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में दो शब्द मिलेंगे दोस्तों आपको। कितने शब्द मिलेंगे, दो, एक शब्द है बे और दूसरा शब्द होता है गल्फ। और हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि खाड़ी हम एक ऐसी जलराशि को बोलते हैं जो कि स्थलीय भाग से घिरी होती है, जो कि लैंड मास से घिरी होती है, और अगर इसका मुहाना बहुत चौड़ा होता है, जैसे यहां आपको देखने मिलेगा ये बहुत वाइड है, तो अगर इसका मुहाना चौड़ा होगा, अगर इसका माउथ बहुत वाइड होगा, तो हम इसे बे कहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि एक खाड़ी कुछ इस तरीके से है और अगर इसका मुहाना बहुत सकरा है, अगर इसका माउथ बहुत ज्यादा नैरो है, तो इसे हम गल्फ का नाम देंगे, इसे हम खाड़ी का नाम देंगे। एक चीज जो मैं हिंदी मीडियम वालों से कहूंगा कि ये आप इंग्लिश में ही पढ़िएगा, और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें हमने क्या किया है, इंग्लिश के नामों को देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखा है। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, तो हमने ऐसे लिखा हुआ है उसको, मैक्सिको गल्फ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि सर यहाँ पर आप गल्फ कहना चाह रहे हो, तो दिमाग में आपकी क्लियर चीज आनी चाहिए कि हाँ एक ऐसी खाड़ी की बात हो रही है, एक ऐसी जलराशि की बात हो रही है जिसका मुहाना सकरा है, जिसका जो माउथ है वो नैरो है। और दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे कि खाड़ी ज्यादा है या गल्फ ज्यादा है, तो डेफिनेटली सी बात है, सॉरी गल्फ ज्यादा है या बे ज्यादा है, तो याद रखना दुनिया में गल्फ का नंबर बे से कहीं ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अच्छा एक और बात याद रखना, जितनी भी चाहे हम बे की बात करें चाहे हम गल्फ की बात करें, ये दोनों ही चीजें अल्टीमेटली किसी ना किसी समुद्र से जुड़ती हैं, किसी ना किसी सी से ये जुड़ती हैं, और फिर जाकर के ये किसी महासागर में मिल जाती हैं, ये किसी ओशियन में मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक खाड़ी है जिसे दोस्तों हम अदन की खाड़ी के रूप में जानते हैं, ठीक है, एक मिनट में यहां आपको मैप में दिखा देता हूं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए जैसे यहां पर ये वाला इलाका आप देखिए, तो ये जो खाड़ी है दोस्तों, ये पर्टिकुलर, अगर आप देख पा रहे हैं क्या, ये जो पर्टिकुलर इलाका है, इफ यू कैन सी इन योर मैप, ठीक है, तो इसे हम अदन की खाड़ी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की जो खाड़ी है दोस्तों वो किस चीज से जुड़ी हुई है, तो आप यहां देखोगे कि ये अरेबियन सी से जुड़ी हुई है, अरब सागर से जुड़ी हुई है दोस्तों, और अरब सागर फिर किसका हिस्सा है, तो ये इंडियन ओशियन का हिस्सा है, ये हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इस तरह आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ, एक बहुत छोटी सी बात बताओ कि अगर किसी देश की सीमा, अगर किसी भी कंट्री की बाउंड्री किसी गल्फ या बे को टच करती है, तो क्या हम उसे लैंडलॉक कंट्री बोलेंगे, क्या हम उसे स्थलबद्ध देश बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर किसी भी देश की सीमा गल्फ या खाड़ी से जुड़ जाएगी, तो अपने आप वो देश किसी महासागर से जुड़ जाएगा, किसी ओशियन से जुड़ जाएगा, क्योंकि हर एक खाड़ी किसी ना किसी महासागर से जुड़ी हुई होती है, हर एक बे या गल्फ किसी ना किसी ओशियन से कनेक्ट होती है दोस्तों। तो ये चीज यहीं पर आपको याद रख लेना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो तो आप सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर ये देखिए, ये देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा तो बेहतर रहेगा। ये देखो
इसे हमने तीन भागों में बांटा है, जैसे हमने सागर को तीन भागों में डिवाइड किया था वैसे ही हमने खाड़ियों को भी तीन भागों में डिवाइड किया है। यहां पर आर्कटिक महासागर की खाड़ियां हैं, ये प्रशांत महासागर की खाड़ियां हैं और ये हिंद महासागर की खाड़ियां हैं। हिंदी में मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, वहां बे और गल्फ का कंफ्यूजन इस वाले पीपीटी में आपको हो जाएगा और अभी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा तब आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अभी बस मुझे समय देना, मैं इसको करेक्ट करके आपको दे दूंगा। यहां पर भी हम खाड़ी की जगह लिख देंगे कि ये गल्फ है या बे है, जैसे आगे हमने लिखा है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहां लिखा हुआ है गल्फ, लिखा हुआ है गल्फ, ये बे, ये गल्फ, ये बे, इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक। चलो ध्यान दो, तो आर्कटिक महासागर में दोस्तों, आर्कटिक ओशियन में चार प्रमुख खाड़ियां स्थित हैं, चार मेजर आपको गल्फ देखने के लिए मिलेंगी। एक है गल्फ ऑफ ओप, दूसरा है येनेसी गल्फ, तीसरा है खतंगा गल्फ और चौथा है याना बे। तो ये चार आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। फिर दोस्तों जब आप प्रशांत महासागर में आएंगे, जब पैसिफिक ओशियन में आएंगे, तो यहां आपको 10 प्रमुख खाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले एक देखने मिलेगी शेलिको गल्फ, शेलिको गल्फ। दूसरा देखने मिलेगी सखाइलिन गल्फ, सखाइलिन गल्फ। मेरे साथ नामों को बोलते चलना ताकि नया नाम ना लिखे, ठीक है। शेलिको गल्फ, सखाइलिन गल्फ, उडा बे, ठीक है, उडा बे, गल्फ ऑफ टार्ट्री, गल्फ ऑफ टार्ट्री, ठीक है, यूचिरा बे, ठीक है, इसको यूची उरा भी, उची उरा भी बोला जाता है, उची उरा बे, ठीक है, उची उरा बे। ईस्ट कोरिया बे, गल्फ ऑफ बोहाई, याद रखना कई जगह इसकी स्पेलिंग पी ओ एच ए आई होती है लेकिन इसको बोहाई ही पढ़ेंगे, ये बोहाई की खाड़ी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। होंगजो, होंगजो बे, होंगजो बे, गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड। फिर आ जाइए हिंद महासागर, इंडियन ओशियन आ जाइए, देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ मर्तबान, कौन सा दोस्तों, गल्फ ऑफ मर्तबान, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, रिवाइज करिएगा मेरे साथ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मशीरा, गल्फ ऑफ मशीरा, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन और गल्फ ऑफ मनार, गल्फ ऑफ मनार। तो ये नाम पहले आपको पता होने चाहिए जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्या होता है, एक दो बार जब आप नाम बोलते हैं ना तो बड़ा आसान होता है याद करना। जैसे अभी दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप सागर के नाम कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया था, तो एक मिनट में हम पूरे सागर को रिवाइज कर लेते हैं फिर गल्फ पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर कारा सागर था, फिर लैपटेप सागर था, ईस्ट साइबेरियन सी था, इसके बाद चुकची सागर था, फिर बेरिंग सागर था, ओखोटस्क सी, जापान सागर, यहाँ पर येलो सी, ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, फिर यहाँ पर हम आए थे इस ओर तो यहाँ आपको फिलीपींस सी देखने के लिए मिले था। फिलीपींस सी से जब आप नीचे की ओर गए दोस्तों तो यहाँ आपको सुलू सागर देखने मिला, फिर सेलिबीस सी देखने के लिए मिला, सेलिबीस के और नीचे हम गए तो बांदा सागर देखने के लिए मिला, बांदा के नीचे हमें तिमोर और अराफुरा सागर देखने के लिए मिला, सेलिबीस के और नीचे जाओगे तो यहाँ आपको जावा सी देखने के लिए मिला, जावा से हम अंडमान सागर चले गए दोस्तों, अंडमान सागर चले गए, अंडमान से हम लक्षद्वीप सागर आ गए, लक्षद्वीप से हम अरेबियन सी आ गए और अरेबियन से हम रेड सी आ गए। तो अब ये दिमाग में मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर स्थित है, इसका दिमाग में लोकेशन क्लियर होना चाहिए। याद रखना, क्या क्लियर होना चाहिए, लोकेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे ही कोई आपसे कहे कि ईस्ट साइबेरियन सी, तुरंत आपको याद आएगा, और अभी मैं आपको द्वीप भी पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से याद आएगा। पता है क्या होगा, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा सर हम स्लो पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं स्लो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं अभी जैसे ही हम खाड़ियां पढ़ लेंगे, गल्फ पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम प्रायद्वीप पढ़ेंगे, पेनिनसुला पढ़ेंगे, फिर हम द्वीप पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे, अगर इसी स्पीड से आप पढ़ोगे तो याद रखना दोस्तों आपको मैं एक सागर का नाम दूंगा और आप ये भी बता पाओगे कि सागर के आसपास ये खाड़ी है, ये वहां पर द्वीप है, ये वहां पर प्रायद्वीप है, तब आपकी तैयारी और अच्छी होगी और सही मायनों में आपकी मैपिंग कंप्लीट होगी। जैसे अभी आप देशों के नाम बता पाते हो ना दोस्तों, कंट्री का नाम आप बता देते हो कि कौन सी देश कहां पर है, तो वहां पर भी ये बात मान के चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम गल्फ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, खाड़ी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर भी एक लिस्ट मैंने बना दी है तो ये लिस्ट भी आपको घर जाकर के पढ़ना है।
जैसे ही आप घर पहुंचे इस लिस्ट को जरा ध्यान से आप पढ़ लेंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी ये लिस्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो लिख दिए हैं मैंने, तो वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ पर से फारस की खाड़ी लिखा हुआ है, ये सारे कुछ फैक्ट है तो इनको भी एक बार आप पढ़ेंगे जाकर के। चलिए तो फिर एक मैप निकाल लिया जाए, शुरू किया जाए कार्यक्रम को आज के, तो एक मैप निकालो भैया, ब्लैंक मैप निकालो, ओके एक ब्लैंक मैप निकाल लो आप लोग। चलो भैया शुरू करते हैं क्लास को। चलिए दोस्तों ओके, अब हम एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा पॉलिटिकल मैप में बता दें आपको, पॉलिटिकल मैप में क्या है, कुछ चीजें ये क्लियर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इन चीजों को अगर आप देख लोगे पॉलिटिकल इस मैप में तो देखने के लिए और अच्छा मिल जाएगा, ठीक। जहां मुझे लगेगा ना, जैसे ही हम ये देखो रूस वाली झीलें बस यहां समझ लो, मैं नीचे की पूरी झीलें आपको पॉलिटिकल मैप में समझा दूंगा, ठीक है। ये वाली बस यहां पर समझ लो, फिर मैं आपको नीचे पूरी पॉलिटिकल मैप में समझा दूंगा। और ये तो हमको पता ही है क्योंकि ये पूरा इलाका रूस का है, तो यहां आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये देखो ये वाला इलाका जहां पर मैं बिंदी रख रहा हूं, ये पर्टिकुलर इलाका देख पा रहे हैं क्या आप लोग? गाइस कैन यू सी दिस? ये ठीक है, ये हमारा नंबर वन होगा और इसे हम जानते हैं दोस्तों येनिसी गल्फ, और हिंदी मीडियम वाले भी इसी तरह लिखेंगे येनिसी गल्फ, खाड़ी मत लिखना, ठीक है येनिसी गल्फ। अब मुझे आप ये बताइए, अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको देखने मिल रहा है, ये जो पूरा इलाका देखने के लिए मिल रहा है, ये किस सागर का हिस्सा है? कौन सा सागर है? कारा सागर। बहुत बढ़िया, अब मुझे ये बताओ कारा सागर किस महासागर का हिस्सा है दोस्तों? कारा सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशियन? तब आप कहेंगे सर ये आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है। अब दोस्तों यहां पर ना एक नदी आकर के मिलती है, मैं अभी आपको एक नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, उस नदी का नाम है एनिसी। अभी जब हम एशिया की नदियां पढ़ेंगे तो वहां हम एनिसी रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो येनिसी नदी यहां आकर के मिलती है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है? एनिसी गल्फ रख दिया गया है, एनिसी गल्फ के रूप में हम जानते हैं। यार एक गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी गाइस, येनिसी यहां पर है, आई एम सॉरी यार, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओब है, आई एम सॉरी गल्फ ऑफ ओब, ये ओब नदी है, यहां पर ओब नदी है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओब, प्लीज को ठीक कर लीजिए, ठीक है, ये ओब गल्फ है, ओब ओब गल्फ, ठीक है, I'm sorry, ये जस्ट बाजू में है, ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों हमारी पहली खाड़ी है गल्फ की, ओब की खाड़ी, ये इस इलाके में यहां आपको देखने मिलेगा नंबर वन गल्फ ऑफ ओब, हिंदी में आप लिखेंगे ओब गल्फ, ठीक है। और इसका नाम ओब क्यों है? क्योंकि यहां एक नदी आकर के मिलती है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? ओब नदी। क्या नाम है? ओब नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो ये वाला इलाका आपको दिखाई देगा, देख पा रहे हैं दोस्तों क्या ये वाला इलाका? देखिए जहां पर मैंने बिंदी बनाई है, ये वाला इलाका, ये हमारा नंबर टू है दोस्तों, और यही है आपकी एनसी गल्फ, ये है, ये कौन सी गल्फ है? ये एनसी गल्फ है, इंग्लिश में एनसी गल्फ, एनएसी गल्फ, ये इस इलाके में। तो अब यहां से एक बहुत मासूम सा प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ भैया कि ये जो गल्फ ऑफ ओब और गल्फ ऑफ येनिसी, ये दोनों किस देश के पास है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों, किस कंट्री के पास है? तो आप कहोगे कि सर ये तो रूस का इलाका है, ये दोनों ही रशिया के पास है। बहुत अच्छी बात है। अब अगर उसे थोड़ा और कठिन करना होगा प्रश्न, तो वो आपसे ये भी पूछेगा कि यार ये कौन से सागर के पास है, कौन सी वाटर बॉडी इसके पास में है? तो हमने पढ़ा हुआ है ये जो पूरा इलाका है इसे हम कारा सागर के नाम से जानते हैं, कारा सी के नाम से जानते हैं। और थोड़ा और कठिन करना होगा तो वो ये पूछेगा दोस्तों कि ये किस महासागर के पास है? तो आपको याद आएगा ये आर्कटिक ओशियन के पास है, आर्कटिक महासागर के पास है। अब मुझे ये बात बताओ यहां पर दोस्तों ये जो इलाका है ये ठंडा इलाका होगा या गर्म इलाका होगा? लॉजिक से बताओ आप लोग मुझे, ये ठंडा इलाका होगा या गर्म? तो याद रखना ये बहुत ठंडा इलाका है दोस्तों, बिल्कुल जैसा पीपी जी ने चिन्ह बना के भेजा, ये बहुत ठंडा इलाका है। तो अक्सर आपको देखने मिलेगा कि जो गल्फ ऑफ ओब और एनसी गल्फ है इनमें हिमाच्छादन रहता है, ये बर्फ से जम जाती है,
इतना ठंडा इलाका है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो ये दो गल्फ क्लियर हैं, दोनों ही गल्फ हैं, गल्फ ऑफ ओप और एनसी गल्फ। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो यहां हमने ओब की खाड़ी देख ली और यहां हमने एनसी की खाड़ी देख ली। अब ये इलाका देख रहे हो आप छोटा सा, ये देखो ये तीन ओर से घिरा हुआ है। मैं और जूम कर देता हूं तो और स्पष्ट दिखेगा आपको। ये इलाका देखो ये तीन ओर से घिरा हुआ है भूमि से, यहां भी भूमि है, यहां भी भूमि है ये, और ये छोटा सा इलाका इस तरीके से जो आपको देखने मिल रहा है ये वाला। तो ये कौन सा इलाका है दोस्तों, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ खतंगा, ठीक है, गल्फ ऑफ खतंगा। इंग्लिश में खतंगा, माफ कीजिए हिंदी में होगा खतंगा गल्फ, ठीक है, खतंगा गल्फ, ओके, खतंगा नाम इसका, खतंगा अजीब सा नाम है थोड़ा सा है, हमको हमारे अपने अपने जैसा नाम है कुछ है, अपन लोग भी ये शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं। मतलब हमारे बुंदेलखंडी में एक शब्द होता है बहुत ज्यादा, और जैसे कभी जो होता ना डॉग्स वगैरह होते हैं, पैट होते हैं, तो अगर उनको कुछ फुंसी वुंसी हो जाती है तो खता कुत्ता है, खता कुत्ता, ठीक है, खता कुत्ता बोलते हैं हम लोग उसे हमारे बुंदेलखंडी में। तो अपन लोग मिलता जुलता है थोड़ा शब्द लग रहा है, थोड़ा सा हमको भी लगा कि यार क्या ही शब्द है, ठीक है। और हमारे यहाँ जैसे किसी को फुंसी उंसी हो जाती तो बोलते खता हो गया, खता, ठीक है, अब फिर बड़ा हुआ तो खता की जगह खफा हो गया, निकल के आ गया दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये कौन सा, अब मुझे ये बताइए कि ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये कौन सी वाटर बॉडी है दोस्तों, जल्दी ये कौन सी वाटर बॉडी है जल्दी से बताओ, लैपटेव सी। बहुत बढ़िया, कौन सा सागर है ये लैपटेव सागर है। और अल्टीमेटली अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा महासागर है तो जल्दी से कहोगे आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो ये तीन गल्फ मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं जाएगी। अब कुछ लोगों को ये हो रहा होगा कि सर हमारे मैप में ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है दोस्तों। आप क्या करो, आप जो भी पेन लिए हुए हो ना वहां से आप बना लो, खुद ब खुद बना लो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो हम कभी भी एग्जैक्ट तो बना नहीं पाएंगे, इवन मैं भी आपके सामने मैप रख रहा हूं तो मैं भी एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, वो तो अपन एक अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, कि हाँ यहां पर है इतना इतना अपन को आइडिया हो गया। तो खुद से खुद क्या किया करो, तुरंत एक नीले पेन से ऐसा ऐसा गूद सा लिया, ऐसा ऐसा करके और बना दिया, बस इतना, ठीक है, इतना बस बना दिया, खत्म कहानी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे दोस्तों तीन हो गए, हमने तीन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलो नंबर वन कौन सा था, आप लोग नाम बताओ, ये कौन सी खाड़ी है, ये थी ओब, गल्फ ऑफ ओब। ये कौन सी गल्फ थी, तो आप कहोगे सर गल्फ ऑफ येनेसी। और ये कौन सी गल्फ है दोस्तों, तो ये है गल्फ ऑफ खतंगा, गल्फ ऑफ खतंगा। अब यहां इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कुछ इलाका द्वीप से घिरा हुआ है, यहां पर एक और खाड़ी है और इसे नंबर फोर जो है हमारा, इसे कहा जाता है याना बे। अब आपको दिखाई भी देगा, डिफरेंस भी आपको दिखाई देगा, याना बे। अब हमने अभी आपको क्या समझाया था दोस्तों, तो हमने आपसे ये कहा था कि जो खाड़ी होती है उसका मुहाना बहुत पतला होता है, लेकिन जो बे होती है, जो गल्फ होती है, ये बहुत नैरो होती है, जबकि जो बे होती है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कहूं कि इस इलाके को ध्यान से देखो, तो ये बताओ खतंगा को हमने गल्फ क्यों कहा, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये देखो खतंगा का जो माउथ है, जो इसका मुहाना है, वो कितना सकरा है कि नहीं दोस्तों। जबकि यहां पर हमने याना बे को बनाया, लेकिन याना बे का मुहाना देखो, ये कितना बड़ा मुहाना है, कितना वाइड है इसका माउथ। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, बे नाम दे दिया, कि भैया बहुत वाइड है इसका मुहाना, इसीलिए हम इसको बे नाम देंगे, ठीक है। तो ये भी हल्का हल्का आपको दिमाग में याद होते चलेगा कि देखो चाहे हमने ओब के बारे में पढ़ा हो, चाहे हमने एनसी के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, ये ओब थी, ये एनएसी और ये खतंगा, तो तीनों के आप देखो मुहाने आपको बहुत पतले दिखाई देंगे, इनका माउथ बहुत नैरो है, इनका माउथ बहुत नैरो है, जबकि याना बे का माउथ बहुत वाइड है, यही कारण हम इसे याना बे के नाम से जानते हैं। तो बताओ ये चार क्लियर हो गए दोस्तों, ये चार बिल्कुल क्लियर हो गए आपके दिमाग में। चलो तो ये चारों की चारों कहां पर स्थित हैं, तो ये चारों ही रूस में हैं और चारों ही आर्कटिक महासागर का हिस्सा हैं, चारों ही आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। चलिए अब मैं आपको पॉलिटिकल मैप निकाल लेता हूं, पॉलिटिकल मैप में कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन अपन बनाते चलेंगे तो आपके दिमाग में, एक और बना लो फिर अपन पॉलिटिकल मैप की ओर चलेंगे, ठीक है, एक और बना लेते हैं फिर अपन पॉलिटिकल मैप की ओर चलेंगे। अब देखो ये वाला जो इलाका है, ये पर्टिकुलर इलाका, ये जो इलाका है दोस्तों, ये भी एक खाड़ी है, और इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं नंबर फाइव करके, इसे सेलिको गल्फ कहा जाता है, ठीक है, खासतौर पर यहां पर लोकेट करना आप लोगों से, ये वाला इलाका, ये देखना दोस्तों, ये याना, YANA, याना, ठीक है,
ये सेलिकोव, हाँ ये लैप्टिव में ही आएगी, याना लैप्टिव में आएगी, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका शेलिकोव, इंग्लिश में, इंग्लिश में शेलिकोव, गलत लिखा आपने, क्लियर है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो एक बार और मैं दिखा देता हूं और क्लियर हो जाएगा। देखो ये इलाका है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो, मैं जूम कर दे रहा हूं, और ये इलाका अब दिख रहा होगा आपको क्लियर, ये ठीक है, ये पर्टिकुलर इलाका, ठीक है, ये कौन सा है, ये सेलिकी, ये सेलिको गल्फ है, सेलिको गल्फ, ठीक। अब मुझे ये बताओ यहां से कौन सा महासागर लग जाएगा, तो अब आप कहोगे सर यहां से पैसिफिक ओशियन लग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये बेरिंग सागर का हिस्सा कैसे होगा, ये कौन सा सागर है, ये ओखोटस्क सागर है दोस्तों, तो ये ओखोटस्क सी का पार्ट होगा, याद रखना, ठीक है, और फिर ये जाकर के पैसिफिक ओशियन में जुड़ जाएगा, फिर ये प्रशांत महासागर में जुड़ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये देखो कहां है वाइट, ये कितना नैरो है, यहां से वाइड मतलब बे ऑफ बंगाल जैसा, बहुत वाइड होना चाहिए, इस कारण से हम इसे क्या कह रहे हैं, शेलिकोव गल्फ का नाम हमने दिया, ठीक है, शेलिकोव गल्फ, चलिए बना लिया आपने, ये क्लियर है, ओके बहुत अच्छी बात है। दो और जरा ध्यान से देखो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा यहां इलाका है दोस्तों, यहां ये इलाका, ठीक है, ये पर्टिकुलर इलाका, ये पर्टिकुलर इलाका कहलाता है उडा बे, इसे हम किस नाम से जानते हैं, उडा बे के नाम से जानते हैं, उडा बे। और ये भी कौन सा इलाका है, तो ये भी रूस है दोस्तों, और ये आपका कौन सा सागर है, ओखोटस्क सागर है, ठीक है, ये ओखोटस्क सागर है, ठीक। अब यहां आ जाओ इस इलाके में, ठीक है, इस इलाके में, तो इसे हम जानते हैं सकालिन गल्फ के नाम से, नहीं ये जापान नहीं है, ये जापान नहीं है, ये रूस के इलाके हैं दोस्तों, ठीक है, सखालिन गल्फ, सखालिन गल्फ के नाम से हम इसे जानते हैं, ये उडा बे है, उडा बे, उडा बे यहां दिख रहा है आपको, उडा बे, ये पूरा रूस वाला इलाका है दोस्तों, और ये देखो ये सखालिन गल्फ है, देख पा रहे हैं आप लोग क्लियरली, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या है, ये बाहर की ओर है, जब आप इसको और डिटेल में जाके देखोगे ना, तो यहां आपको दिखाई देगा कि ये काफी वाइड हो जाता है और ये बाहर की ओर निकली हुई है दोस्तों, इस कारण से हमने इसे क्या नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने इसे उडा बे नाम दिया है दोस्तों, उडा बे, ठीक है, यही एक रीजन है। चलिए तो ये आपने इतने बना लिए क्या, इतने क्लियर है, कहां तक पहुंच गए हम, ये कौन से नंबर का है दोस्तों, तो ये था आई थिंक हमारा 6 नंबर और ये हमारा 7 नंबर वाला मैप था। तो चलिए एक बार यहां तक की चीजों को रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अच्छी बात ये है कि अभी तक जितनी भी खानियां आप पढ़ रहे हो वो सारी की सारी किसका हिस्सा है, तो वो सारी ही दोस्तों रूस का हिस्सा है, वो सारी ही रशिया का पार्ट है। तो देखो सबसे पहले हमने यहां पर क्या पढ़ा था, तो यहां हमने ओब की खाड़ी पढ़ी थी, गल्फ ऑफ ओब, फिर हमने गल्फ ऑफ येनेसी को देखा, फिर हमने गल्फ ऑफ खतंगा को देखा, फिर हमने याना बे को डिस्कस किया, याना बे के बाद यहां हमने शेलिकोव गल्फ को देखा, शेलिकोव खाड़ी को देखा, यहां दोस्तों हमने उडा बे को देखा, और इस पर्टिकुलर इलाके में हमने सखालिन गल्फ को डिस्कस किया। तो अभी ये जो 7 हमने अलग अलग खाड़ियां पढ़ी हैं, अगर आप इस लिस्ट में देखोगे दोस्तों, तो ये 7 की 7 खाड़ियां किसका हिस्सा है, ये 7 की 7 खाड़ियां हिस्सा है रूस का, आप देख सकते हो क्लियरली, ओब की खाड़ी, एनसी गल्फ, खतंगा, याना, शेलिकोव, सालिन और ये उडावे, ये पूरी की पूरी कहां देखने मिलेंगी, रशिया वाले इलाके में देखने के लिए मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको पॉलिटिकल मैप की ओर ले चलता हूं, राजनीतिक मानचित्र की ओर ले चलते हैं, ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो सके। यहां तक बताइए चीजें क्लियर हो रही है, यहां तक चीजें स्पष्ट है, बिल्कुल दिमाग में क्लियर है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप देखिए एक और आपको खाड़ी देखने मिलेगी, ये जो पर्टिकुलर इलाका है, बस मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, यहां पर ये जो पर्टिकुलर इलाका है, यहां पर दोस्तों एक और आपको खाड़ी देखने मिलेगी, और इसे कहा जाता है, हाँ वो पूर्वी साइबेरिया की है, नहीं 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 वो यहां पर है ना, तो वो लैप्टिव में आएगी मोहिनी जी, लैप्टिव में आएगी, यहां से ईस्टर्न साइबेरियन शुरू होता है, ठीक है। तो ये वाला इलाका आप देखो दोस्तों, इसे हम कहते हैं टार्टरी गल्फ, क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ टार्टरी, टार्टरी गल्फ के नाम से हम इसे जानते हैं,
ठीक है, तो गल्फ ऑफ टेरिटरी। और ध्यान से देखोगे अगर आप गल्फ ऑफ टेरिटरी को, नहीं नहीं आपको कंफ्यूज क्यों लोग, गल्फ ऑफ टेरिटरी रूस के पास स्थित है, लेकिन ये कौन से सागर में जुड़ती है, तो ये जापान सागर में जुड़ती है दोस्तों, जापान सी का हिस्सा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ओखोटस की ये वाला सागर है जो इसके ऊपर आपको दिख रहा है, ये ओखोटस्क सागर है दोस्तों, जबकि ये जो नीचे हम इलाका देख रहे हैं ये जापान सागर का इलाका है, ये जापान सी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आठवीं हमारी खाड़ी हो जाएगी और इसे हम गल्फ ऑफ टेरिटरी के नाम से जानते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है, यहां पर चीजें स्पष्ट हो रही है? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, अगले पार्ट पर हम चलते हैं। चलिए अब और ध्यान दीजिए यहां पर, अब और ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखो ये होकाइडो द्वीप है और ये होनशु द्वीप है। यहां पर दोस्तों बीचों बीच एक आपको खाड़ी देखने मिलेगी और इस खाड़ी को हम उची उरा गल्फ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी इसकी यही स्पेलिंग है, उची उरा बे, माफ कीजिएगा, उची उरा बे के नाम से हम इसे जानते हैं दोस्तों ये इलाका। इसको एक और नाम दिया जाता है जो फेमस है, इसे फुंका बे भी कहा जाता है, इसी को वॉल्केनो बे भी कहा जाता है, इसी के बहुत सारे नाम हैं। तो ये कौन कौन से द्वीप हैं? तो हमने आपको जापान के द्वीप बताए थे, ये ऊपर वाला आइलैंड होकाइडो आइलैंड है और ये नीचे वाला जो द्वीप है वो होनशु द्वीप है, और होकाइडो और होनशु के बीच में आपको एक खाड़ी मिलेगी, इसमें आपको याद रखना है उची उरा बे देखने के लिए मिलेगा, उची उरा बे। और ये किस महासागर का हिस्सा होगा? तो ये हिस्सा है दोस्तों प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन। चलिए ये आठ क्लियर हो गए, कुछ नए नाम है मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर कोई बात नहीं यार, हर रास्ता आसान नहीं होता है, हम उसको अच्छा नौ हो गए, चलिए तो उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। ठीक, चलो अब यहां पर आ जाओ अगले देश पर। अब आप पहले मुझे ये बताओ, ये वाला देश और ये वाला देश जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये दोनों कौन से देश हैं दोस्तों, जल्दी बताओ ये दोनों कौन से देश हैं? ध्यान दो सर, ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। अब अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो ये वाला इलाका देखो, यहां यहां आपको एक इलाका दिख रहा है दोस्तों, यहां आपको एक इलाका दिख रहा है ना, ठीक है, इस इलाके में एक खाड़ी बनती है जिसे कहा जाता है ईस्ट कोरिया गल्फ। क्या कहा जाता है? ईस्ट कोरिया गल्फ का नाम दिया जाता है, ईस्ट कोरिया गल्फ है ये, ठीक है, ये ईस्ट कोरिया गल्फ कहलाती है। किस देश के बीच में देखने मिलेगी? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीचों बीच आपको देखने मिलेगी ईस्ट कोरिया गल्फ। हिंदी में आप इसे कहेंगे पूर्वी कोरिया गल्फ। देखो यहां पर क्या है, कुछ छोटे छोटे आइलैंड है दोस्तों, यहां पर छोटे छोटे आइलैंड है जिसकी वजह से इसका मुहाना चौड़ा नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि इसे गल्फ का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? गल्फ का नाम दिया गया है दोस्तों। और ये किस सागर का हिस्सा है? तो आपको देखने मिलेगा कि सर ये जापान सागर का हिस्सा है, जापान सी का पार्ट है, और अल्टीमेटली ये प्रशांत महासागर में जाकर के जुड़ जाता है। तो एक बात मेरे साथ पूरी चीजों को ध्यान से रिपीट कर लो ताकि आप चीजें ना भूलो, ठीक है। तो एक बार अपन ये वाले मैप में देखते हैं जिसमें हमको चीजें बड़ी क्लियर दिखाई देती हैं, बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं, फिर अपन वापस से पॉलिटिकल मैप की ओर आ जाएंगे। चलो ध्यान दो और मुझे बताना कि कौन सी जगह कौन सी खाड़ी है। तो ये दोस्तों यहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, यहां पर कौन सी खाड़ी है? तो आप बताओगे सर यहां ओब की खाड़ी है। यहां पर कौन सी खाड़ी है दोस्तों? यहां पर येनेसी की खाड़ी है। यहां पर कौन सी खाड़ी है? सर यहां पर खतंगा की खाड़ी है, खतंगा। यहां पर कौन सी बे है? तो यहां आप बताओगे सर याना बे देखने के लिए मिला था, बहुत बढ़िया। ये कौन सी खाड़ी है दोस्तों, जल्दी बताओ कौन सी खाड़ी है? शेलिकोव, याद रखना शेलिकोव, ठीक है, तो शेलिकोव खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। यहां पर एक बे है और ये कौन सी बे है? उडा बे, उडा बे। यहां पर एक छोटी सी खाड़ी है, इसे हमने क्या नाम दिया था? सखालिन गल्फ, ठीक है, क्या नाम दिया था? सखालिन गल्फ का नाम दिया था दोस्तों, सखालिन गल्फ। फिर हम नीचे की ओर आए जापान सागर में, तो जापान सागर में हमको एक खाड़ी देखने के लिए मिली जिसे हमने टेरिटरी गल्फ का नाम दिया। फिर दोस्तों हम साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पास पहुंचे, यहां हमको ईस्ट कोरिया गल्फ दिखाई दी, ईस्ट कोरियन खाड़ी दिखाई दी। तो अब तक हम ये 10 खाड़ियां पढ़ चुके हैं, एक खाड़ी छूट गई जो यहां पर है दोस्तों, ये वाले इलाके में, यहां आपको देखने मिलेगी उची उरा बे, ठीक है, उची उरा बे देखने मिलेगा, जापान के होकाइडो और होनशु द्वीप के पास उची उरा बे देखने के लिए मिलेगा। चलिए
क्लियर है, स्पष्ट है। इसको फुंका बे भी कहा जाता है, वोल्केनो बे भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग प्रकार के नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये 10 खाड़ियां स्पष्ट हैं दोस्तों, तो एक बार मैं 10ों के दर्शन आपको करा देता हूं कि किस तरह से कौन सी चीज कहां पर स्थित है। अगर इस वाले मैप को, अगर अपने वर्ल्ड मैप को आप देखोगे, तो क्या आपको यहां, आप देखो क्या यहां आपको ओब की खाड़ी दिखाई दे रही है? देखिए जरा अपने एटलस में। अगर एटलस में नहीं होगा तो जो मैप हमने आपको सेंड किए थे, हमने शुभम गुप्ता पीडीएफ वाले ग्रुप में एचडी मैप भेजे थे दोस्तों, एचडी मैप, ठीक है, तो वो रखने के लिए नहीं भेजे हैं, उसको आप जूम करके देखोगे तो यहाँ आपको गल्फ ऑफ ओब देखने मिलेगी, और अच्छे से देखोगे तो यहाँ एक यमल पेनिनसुला भी देखने मिलेगा, यमल पेनिनसुला, ठीक है। फिर यहां देखो इस इलाके में, देख पा रहे हो क्या आप लोग इस इलाके में? ठीक है, ये देखो इस वाले इलाके में, तो यहाँ आपको एनसी गल्फ देखने के लिए मिलेगी, दिख रहा है दोस्तों? ओके, और ये पूरा का पूरा इलाका कौन सा सागर है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कारा सागर है दोस्तों। कौन सा सागर है? कारा सागर है। ये नोवाया ज़ेमल्या आइलैंड है और ये सेवरिया ज़ेमल्या आइलैंड है, इन दोनों के बीच में हमें कारा सागर मिलेगा, और कारा सागर में गल्फ ऑफ ओब और गल्फ ऑफ एनसी देखने के लिए मिलेगी। फिर देखो थोड़े आगे आओ, थोड़े आगे आओ, तो ये वाला इलाका देखो, यहाँ इस इलाके को खतंगा गल्फ कहा जा रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? इस इलाके को खतंगा गल्फ कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, पिक्चर जूम नहीं हो पाती है, लेकिन जब आप देखोगे तो जूम हो जाएगी। तो ये खतंगा गल्फ का इलाका है और ये लैप्टेव सी का हिस्सा है। इफ यू कैन सी, ये लैप्टेव सागर का हिस्सा है दोस्तों। फिर थोड़ा और आगे आओगे तो यहाँ ये वाला जो इलाका आपको देखने मिल रहा है, ये है दोस्तों याना बे। देखो जरा ध्यान से, ये कौन सा बे है? याना बे है। और ये देखो, ये न्यू साइबेरियन द्वीप समूह है, ये न्यू साइबेरियन आइलैंड है दोस्तों, न्यू साइबेरियन आइलैंड है यहाँ पर। और ये कौन सा सागर है? तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये लैप्टेव सागर का हिस्सा है, ये लैप्टेव सी का पार्ट है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, कोई बात नहीं, कुछ गलत होगा उसको ठीक कर लेना, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, नहीं, वो ईस्ट साइबेरियन यहां से शुरू होगा दोस्तों, ईस्ट साइबेरियन सी इस साइड है, जबकि बे आप देखो इस साइड है, क्लियर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर आप नीचे की ओर आओ तो ये देखो, ये इतना इलाका, और इसे हमने क्या नाम दिया था? शेलिकोव, ठीक है, शेलिकोव गल्फ, दिख रहा है आपको क्लियर? शेलिकोव गल्फ, ठीक है, ये शेलिकोव गल्फ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, जिस कारण से यहाँ पर मुहाना बहुत सकरा हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है दोस्तों। अब ये इलाका देखो, ये पर्टिकुलर इलाका यहाँ, तो यहाँ आपको दिखाई देगी उडा बे, दिख रही है क्या आपको? उडा बे। और उडा बे के बाद ये वाला इलाका देखो, तो इस वाले इलाके में दोस्तों आपको दिख रही होगी गल्फ ऑफ सखोलिन, ठीक है, सखालिन, माफ कीजिए, गल्फ ऑफ सखालिन, सखालिन की खाड़ी आपको दिख रही होगी। अब आप ध्यान से देखो, आप गल्फ ऑफ सखालिन को देखो, फिर आप शेलिकोव गल्फ को देखो और उडा बे को देखो, ये तीनों ही किस सागर में स्थित हैं? तो ये तीनों ही आपको सी ऑफ ओखोटस्क में देखने मिलेंगी, तीनों ही ओखोटस्क सागर का हिस्सा दिखाई देंगी। अब यहाँ नीचे की ओर आओ तो ये जो छोटा सा इलाका आपको दिख रहा है, इसे यहाँ पर लिखा नहीं है तो लिख लेना नक्शे, ये टार्टरी की खाड़ी है दोस्तों, ये टार्टरी गल्फ के रूप में जाना जाता है ये वाला इलाका, ठीक है। फिर ये देखो, ये होन्शु द्वीप है और ये होकाइडो द्वीप है। अब हम जापान आ गए, ये होकाइडो द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, तो यहाँ जो बीचों बीच एक खाड़ी बन रही है उसे हमने क्या नाम दिया? उची उरा बे। क्या नाम दिया दोस्तों? उची उरा बे का नाम दिया, उसे फुंका बे भी कहा जाता है दोस्तों, उसे आप देखेंगे तो उसी को एक और नाम दिया जाता है वोल्केनो बे। तो उची उरा हमने यहाँ पर देखा। फिर यहाँ पर आओ, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, तो यहाँ देखो छोटा सा इलाका आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो यहाँ हमको देखने मिलेगा ईस्ट साइबेरियन बे। अच्छा, ये भी बे है शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ईस्ट साइबेरियन बे गल, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है, मे बी मैंने गलत कर लिया होगा, तो एक बार देख लेना इसको क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये इतनी खाड़ियां मुझे बताओ क्या दिमाग में क्लियर हुई, ये सारी चीजें क्या दिमाग में क्लियर हुई? अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए वापस से पॉलिटिकल मैप की ओर चलते हैं और राजनीतिक मानचित्र को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा सागर है जहां पर मैंने अंडरलाइन किया? तो आप कहोगे सर ये येलो सी है। कौन सा सागर है दोस्तों? येलो सी है, ये पीला सागर है दोस्तों। तो यहीं पर आप देखें, ये जो इलाका जहां पर मैं लाइन बना रहा हूं, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ बोहाई। क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ बोहाई, बोहाई गल्फ, गल्फ ऑफ बोहाई। और इसकी स्पेलिंग कई जगह आपको इस तरह से भी दिखाई देगी, लेकिन इसे हम बोहाई ही पढ़ते हैं, इसे हम बोहाई के नाम से ही जानते हैं,
ठीक है। अब यहीं पर आपने देखा होगा कि यही हमने चीन की राजधानी को देखा था, और चीन की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। क्या नाम है? बीजिंग। तो यहां से कुछ चीजें बनना शुरू हो जाएंगी कि चीन की राजधानी बीजिंग किस खाड़ी के समीप स्थित है, तो आप बता पाएंगे कि चीन की राजधानी बीजिंग जो है वो गल्फ ऑफ बोहाई के पास स्थित है, बोहाई के पास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ओ भाई जैसा देखने के लिए मिल रहा है, पर इसको आप बोहाई के नाम से लिखिएगा, ओ भाई मत लिखना, याद करने के लिए सही है वैसे, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली किस में जुड़ जाएगा, तो देखो गल्फ ऑफ बोहाई कनेक्ट होगी येलो सी में, येलो सी कनेक्ट होगा ईस्ट चाइना सी से, और ईस्ट चाइना सी कनेक्ट होगा पैसिफिक ओशियन से। बोहाई गल्फ जुड़ेगी पीला सागर से, पीला सागर जुड़ेगा पूर्वी चीन सागर से, और पूर्वी चीन सागर अल्टीमेटली किससे जुड़ जाएगा दोस्तों, तो यह प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा। और याद रखना गल्फ ऑफ बोहाई का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से जुड़ता है, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा इसका नॉर्थ कोरिया से भी जुड़ जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा आपको उत्तर कोरिया से जुड़ते हुए भी दिखाई देगा, लेकिन बड़ा हिस्सा चीन के पास ही स्थित है। चलिए तो आगे बढ़े अगले टॉपिक पर आए, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, ये इलाका यहां पर क्या आप देख पा रहे हो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं चीन के पास बिल्कुल, ठीक है। नहीं देख पा रहे तो फिर से देखो, ये वाला इलाका, ये इसे हम कहते हैं होंगजो, होंगजो बे, होंगजो बे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत याद नहीं रखना, बस थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है, होंगजो बे। और ये कौन सा सागर है यहाँ पर, जल्दी बताओ कौन सा सी है दोस्तों यहाँ पर, जल्दी आंसर दो। तो यहाँ आप कहोगे सर ईस्ट चाइना सी है, ये पूर्वी चीन सागर का हिस्सा है, बहुत बढ़िया बात है, ईस्ट चाइना सी का पार्ट है। चलो आगे बढ़ा जाए, कितने हो गए, 10, 12 हो गए होंगे आई थिंक, है ना, 12 हो चुके हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये वाला इलाका देखो जहां पर मैं डाल करूं, देख पा रहे हैं आप लोग, ये हैनान आइलैंड है, ये हैनान द्वीप है, ठीक है। तो यहां दोस्तों एक खाड़ी देखने के लिए मिलेगी, और इसे कहा जाता है टोंकिन, टोंकिन गल्फ, इंग्लिश में गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है। अब ये देखो, ये एक तरफ इसके चीन है, और दूसरी तरफ कौन सा देश है, वियतनाम है, और ये किस सागर का हिस्सा है, तो यहां आपको याद आ रहा होगा ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी में स्थित है, ये साउथ चाइना सी का इलाका है दोस्तों। तो ये गल्फ ऑफ टोंकिंग है, ये टोंकिंग की खाड़ी कहलाती है, जो कि चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण खाड़ी है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है चीन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है चीन के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आ जाओ आप जल्दी से, यहां पर आ जाओ, ये इलाका दिख रहा है, ये बहुत फेमस है, ये सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसे कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड की खाड़ी, क्या कहा जाता है, थाईलैंड की खाड़ी कहा जाता है, थाईलैंड की खाड़ी, इंग्लिश में गल्फ ऑफ थाईलैंड, क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड का नाम दिया जाता है, थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है। और ये भी एक प्रकार से किसमें जुड़ जाएगी, तो ये जुड़ जाती है साउथ चाइना सी के साथ, ये जुड़ जाती है दक्षिण चीन सागर के साथ, ठीक है, जो अल्टीमेटली किससे जुड़ जाएगा, प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा, पैसिफिक ओशियन से जुड़ जाएगा, पैसिफिक ओशियन, नहीं इसे हम गल्फ का नाम ही देते हैं, ठीक है, बे इसे नहीं कहा जाता, चलो ध्यान दो। अब यहां पर एक और चीज आप देखो, एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन आप देखिए ध्यान से, ये इलाका दिख रहेगा छोटा सा आपको, ये वाला इलाका देख पा रहे हो, म्यांमार के पास है, म्यांमार के पास ये इलाका, ये जो इलाका है इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मर्तबान, गल्फ ऑफ मर्तबान, मर्तबान गल्फ। और यहीं पर दोस्तों गल्फ ऑफ मर्तबान के पास स्थित है रंगून, रंगून जो कि म्यांमार की पुरानी राजधानी थी, ठीक है, जो कि म्यांमार की ओल्ड कैपिटल थी, याद रखना, ठीक है, ये म्यांमार की पुरानी राजधानी थी, गल्फ ऑफ मर्तबान या मर्तबान गल्फ। ये किस सागर से जुड़ती है, तो आपको देखने मिलेगा कि ये अंडमान सी से जुड़ती है, और अंडमान सी किससे जुड़ता है, तो अंडमान सागर जुड़ता है हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से जुड़ता है, गल्फ ऑफ मर्तबान। आगे चले, आगे चले, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है इसका नाम बस लिख लो, सबको पता है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, कौन सी खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल,
ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतनी खाड़ियां बहुत हैं, बाकी दो चार जो खाड़ियां बची हुई हैं तो अगली क्लास में हम गल्फ को भी नोट कर लेंगे और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक दो दो फैक्ट हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शाम को करेंगे, रात में 9 बजे आपकी क्लास होगी और उसमें हम कवर कर लेंगे और इस पूरे के पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। और कोशिश ये भी करना है कि आज हम द्वीप पढ़ना शुरू कर देंगे, आइलैंड पढ़ना हम शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है, द्वीप पढ़ना शुरू करेंगे, आइलैंड पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि आइलैंड को भी हम खत्म कर लें। अब ये महाद्वीप लगभग खत्म होने वाला है, मुश्किल से 3-4 क्लासेस और होंगी और ये वाला महाद्वीप खत्म होगा। टेस्ट कब होगा ये आपको सरप्राइज के रूप में पता पड़ेगा। आप मान के चलिए दोस्तों कि आपका टेस्ट लगातार बनाते जा रहा हूं मैं, हर दिन दो तीन प्रश्न बना देता हूं मैं टेस्ट के और एकदम से आपका टेस्ट में ले लूंगा, ठीक है। और टेस्ट जो है वो मैं गूगल फॉर्म के थ्रू लूंगा आपका टेस्ट। तो गूगल फॉर्म में आप लोगों ने पहले भी टेस्ट दिया है, जहां तक मुझे याद है दिया है ना आप लोगों ने, गूगल फॉर्म में पहले भी अपने टेस्ट दिया है, तो वहीं आप टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, आसानी से आप टेस्ट वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ठीक है। ओके, बस गूगल पे आईडी होनी चाहिए। अरे गाइज ऐसे नहीं जाएंगे आप लोग, पहले एक बार चीजों को रिवाइज करते हुए जाएंगे, तो ऐसे नहीं भगना आपको तुरंत बस सर चलो बस्ता उठाए चले, जल्दी एक बार देखो खटपट पर मेरे साथ देखो और चीजों को खत्म करो और मुझे आप लोग बताते जाओ कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है, जल्दी बताना, एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करना, तभी क्लियर हो पाएंगी, ठीक। दो मिनट यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक, ओके आंसर करना। अच्छा मुझे बताओ, कोई रेज हैंड में अपना हाथ उठाओ और मैं उससे पूछूंगा वो सारी चीजें बताते जाएगा, कोई बताएगा, मैं उससे पूछूंगा और बताएगा, रेज हैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। दो चार लोग इच्छुक हैं, पिछले बार हमने एक पुरुष वर्ग के व्यक्ति को वो दिया था, अब हम किसी महिला को इस बार मौका देना चाहेंगे, देखते हैं भैया कितने लोग हैं। चलिए प्रांजल जी का आया है, तो प्रांजल जी आपको हम इन्वाइट करते हैं और आप बताइए सारी चीजों के नाम। ओके नमस्कार प्रांजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप मुझे सुन पा रही हैं। यस सर, नमस्ते। ठीक है, मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी ओके क्लियर होगा। अब मुझे ये बताओ, अब जिसको मैं कोट कर रहा हूँ वह बताइएगा, ये कौन सा इलाका है? गल्फ ऑफ मर्तबान, वेरी गुड। ये कौन सा इलाका है? सेलिकोपगल, बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? याना वे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? बुहाई के, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन सा है? टर्टरी, वेरी गुड, टर्टरी गल्फ, बहुत बढ़िया बात है। ये कौन सा इलाका है? थाईलैंड गल्फ। ये टॉकिंग, टोंकिंग, ठीक है, गल्फ ऑफ टोंकिंग। अब मैं थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, ये कौन सा देश है? कंट्री फिलीपींस। ये कौन सी कंट्री है? ताइवान, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये इस आइलैंड का नाम बताओ जिस पर मैंने बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड पर कितने देशों का अधिकार है? तीन देशों, तीनों के नाम? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। बहुत बढ़िया। ब्रुनेई की कैपिटल? बहुत बढ़िया, बंदर सेरी बेगवान। ओके, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप। और इंडोनेशिया की कैपिटल किस द्वीप पर है? जावा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि किस देश में सिनकोना का उत्पादन होता है, जिससे कुनिन बनती है जो मलेरिया के लिए उपयोगी है? मलेशिया, इंडोनेशिया में ही। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में भी आप देखोगे कि बांबू एक जगह है, वहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, जल्दी बताओ कौन सा है? बोर्नियो, बहुत बढ़िया। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप, वेरी गुड, वेरी वेरी इंप्रेसिव दोस्तों। काफी चीजें आपको याद है, सीरियसली आपको काफी चीजें याद है, कितने भी तरीके से घुमा के हमने पूछा पर आपको बन गया, वेरी गुड। अच्छा एक और बता दो कि कौन से एशिया के देश है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, जहाँ से इक्वेटर पास होती है? एशिया के इक्वेटर वाले, सऊदी अरब। नहीं, आप कर्क रेखा चले गए, सिर्फ दो देश, यहाँ एक मालवी भूमध्य रेखा, ठीक है, और उसके बाद फिर इंडोनेशिया। अब एक और व्यक्ति से हम रेजेंट लेंगे आज, थैंक यू सो मच प्रांजल जी, और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब कौन आना चाहेगा रेजेंट में?
अच्छा चलो अनुज अभी को इनवाइट कर लेते हैं। ओके अनुज हेलो। हेलो सर। हाँ अनुज चलो आप देशों के नाम बताओगे जल्दी जल्दी, मैं आपके सामने एक मैप ओपन कर रहा हूँ। चलो भैया ये वाला देश कौन सा है जल्दी नाम बताओ। मंगोलिया, कैपिटल मंगोलिया, कैपिटल उलान उलान बटोर बटोर। अब मुश्किल ना, ये वाला देश कौन सा है सर। अफगानिस्तान, कैपिटल अफगानिस्तान की काबुल काबुल। ये कौन सा देश है, सर। लाओस, कैपिटल लाओस की वियंतियन। ठीक है विंतियन, बहुत बढ़िया। ये कौन सा देश है, सर उज्बेकिस्तान, नहीं 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 ये हाँ सर सॉरी सर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हाँ देखो ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है तुर्कमेनिस्तान। अब मुझे ये यस सर। बताओ कौन कौन से मध्य एशिया के देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से जुड़ती हैं। सर दो हैं, कौन कौन से, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, बहुत बढ़िया बात है। चलो आप मुझे राजधानी बताओ यमन की। सर एक मिनट, यमन की साना। साना इसकी कैपिटल है, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पर एक देश है वो कौन सा देश है, सर ये वाला सुनो, तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट। कैपिटल क्या है इसकी, सर वो दिल्ली, दिल्ली। ठीक है ये कौन सा द्वीप है, सर ये न्यू गिनी, न्यू गिनी। ठीक है ये न्यू गिनी द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। मनीला। और मनीला किस द्वीप पर है, एक्चुअली सर नाम द्वीप पे आ रहा ये कौन सा द्वीप है दोस्तों, लुजोन द्वीप, है, लुजोन, लुजोन लुजोन, आइलैंड। चलो जापान की राजधानी जापान की टोक्यो, टोक्यो किस आइलैंड पर है, सर होकाडो, नहीं नहीं नीचे, होंशु, नहीं होंशु, होंशु होंशु, नीचे होकाइडो तो ये है, होंशु द्वीप पर है। ऊपर है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, पढ़ते जाओ इसी तरीके से। अच्छा बता सकते हो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, थोड़ा मुश्किल है तो बताओ। सऊदी अरब, हाँ यूएई, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है फिर भारत, सऊदी अरब, यूएई, इंडिया, ठीक इंडिया के है बाद बांग्लादेश, कुछ मिस करते बांग्लादेश जा के रहे हो बाद कोई बात नहीं। म्यांमार। हाँ सर शुरू से बोल रहा हूँ, सऊदी अरब, हाँ यूएई, फिर कतर, फिर हाँ भारत, कतर, फिर बांग्लादेश, कतर ऊपर ये है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ ये वाला सऊदी देखो अरब, मैंने यहाँ पे यूएई, क्लियर किया था ना, ये देखो सऊदी अरब ठीक है, फिर यस सर, यूएई, फिर यूएई, फिर ओमान, ओमान ओमान, आप मिस कर रहे थे, फिर भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, चीन, चाइना, ताइवान। ठीक ताइवान, है इस तरीके यस से भूमध्य रेखा दो देशों से है, मालदीव और इंडोनेशिया, और मालदीव, आर्कटिक वृत्त एक देश से है, रूस। चलिए आप मुझे ये बताइए एशिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट को हम किस नाम से जानते हैं, सर सभ्यताओं का पालना और धर्मों की वो, जन्मस्थली। ठीक है क्रेडल ऑफ जन्मस्थली, सिविलाइजेशन, और दूसरा हम इसे नाम क्या देते हैं दोस्तों, धर्मों की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस होता है रिलीजन। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, वैसे हमारे पास 200 लोग हैं तो 200 तो नहीं, पर हर दिन दो लोगों से, एक घंटे की क्लास के बाद मैं हर दो लोगों से रिजेंट करेंगे तो आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है थैंक यू अनुज, थैंक यू, वेरी गुड, कीप लर्निंग। वैसे अच्छा है यार ये, है ना बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है वैसे अच्छा लगा, थोड़ा सा ऑफलाइन वाला फील आ गया कि चलो आप लोगों को आंसर पता है और काफी अच्छे आंसर पता है। तो तैयार रहना, याद रखना कि मैं किसी को भी आप में से उठा लूंगा और जल्दी से आपको इनवाइट कर दूंगा और कुछ भी पूछूंगा दोस्तों, कुछ भी। ठीक है जो मैंने पढ़ा दिया वो हम कुछ भी पूछ लेंगे। ओके तो तैयार रहेंगे और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरा कोड है दोस्तों एस जी लाइफ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 21 तारीख को दोस्तों, 21 तारीख को एमपीपीएससी कॉम्बैट का आयोजन किया जा रहा है। एमपीपीएससी कॉम्बैट को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, और प्लीज जब आप उसे इनरोल करें तो मेरा कोड एस जी लाइफ जरूर इस्तेमाल करें, और दूसरे लोगों को भी बताइए क्योंकि वो स्कॉलरशिप टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो उसको जरूर आपको देखना है। ठीक है ओके, डाउट है कुछ लोगों के वो हम क्लियर कर लेते हैं। अपर्णा जी का डाउट है सर कैस्पियन सी और अराल सी के बारे में, ये मैं आपको परसों बताऊंगा जब हम झीले पढ़ेंगे। वेरी गुड मीरा जी, बहुत बढ़िया, सर आपसे बात करनी है प्लीज। ओके साक्षी जी मैं आपसे बात करता हूँ तो हमें निकाल के, वेरी गुड सौरभ जी बहुत बढ़िया, संजू जी आपकी फोटो ब्लर हो गई है। अच्छा आप लोगों ने वो मैप वगैरह भेजे, जब जैसे ही आप इनरोल करेंगे तो वहां आपसे कोड मांगेगा। ओके जो साउथ चाइना सी के द्वीप हैं उसको परेशान नहीं होना है, वो अभी हम पढ़ेंगे दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है मैं पॉलिटिकल नाम समझा दूंगा, नहीं आप यूट्यूब वाला कोर्स जरूर पढ़िएगा शिवाजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पढ़ना है। थैंक यू ऋतिक, थैंक यू। नहीं लाल सागर खाड़ी नहीं है दोस्त, क्योंकि लाल सागर आप देखो जुड़ा हुआ है दोनों सिरे से, ऊपर है वो, ऊपर वहां वो स्वेज नहर से कनेक्ट हो जाएगा, पहले होता लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है अरल सागर और कैस्पियन सागर झीले हैं मनु जी, अरल सागर कैस्पियन सागर झीले हैं।
देखिए सुएज जो है वो स्थल संधि है और स्थल संधि की परिभाषा राज्य ये होती है जो दो जल राशियों को अलग करे। तो पहले वो लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करता था, लेकिन अब जब हमने वहां पर सुएज नहर बना दी, सुएज कनाल बना दी, तो वो चीजों को कनेक्ट करने लगा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्लियर है मैं सभी